किसी भी एग्जाम में हड़प्पा से एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं, और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानकारी हमें होनी ही चाहिए ताकि प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया जा सके। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत से इसके खंड हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे हुआ, इसका विस्तार कितना था, विभिन्न स्थल पे उनकी प्राप्तियां क्या क्या थी, इसका व्यापारिक संबंध क्या थे, और इसके व्यवसाय और वाणिज्य कैसा था, इसके विदेशी संबंध कैसे थे, और इसका पतन कैसे हुआ। वैसे इस सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने पर यह साफ साफ होता है कि हड़प्पा सभ्यता भारतीय प्राचीन भारत की सभ्यता को 4000 साल पुरानी सभ्यता से जोड़ पाती है। वैसे इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसी काल में सुमेरु सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता जैसी सभ्यताएं चल रही थी जो अन्य देशों के इतिहास को गौरवान्वित करती थी। भारत भी आज हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न अवशेषों और प्राचीनता के आधार पर एक गौरवशाली इतिहास की बात करता है जहाँ प्रथम नगरीकरण प्रारंभ हुआ था। नगरीकरण के इस प्रारंभ की खोज सर्वप्रथम अनजाने में हुई। सबसे पहले जो एक अंग्रेज मेरसन ने इसकी खोज 1826 में अचानक से खोजी प्रवृत्ति के कारण उस स्थल पर पहुंचे जहां खंडहर नुमा और भग्नावशेष मिले हुए थे, और इन्हीं के आधार पर हड़प्पा की सभ्यता के इन भग्नावशेषों के आधार पर उन्होंने एक लेख लिखा जो आगे छपा और इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली, लेकिन यह फिर अनजाने और गर्त में चला गया, कोई इस पर गौर नहीं किया। फिर अचानक से जब कराची से लाहौर रेल मार्ग के निर्माण की सर्वेक्षण शुरू हुआ और 1856 में जब इसकी खोज शुरू हुई तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से पता चला। छप्पन में ब्रंटन ने जब रेल मार्ग निर्माण के दरमियान हड़प्पा के खंडहरों से गुजरे और उन्हें पुरानी बातें उस लेख के द्वारा पता चला रहा जब याद आया तो उन्होंने देखा कि सचमुच यहाँ बहुत प्राचीन सभ्यता के अवशेष खंडहर पड़े, और इन्होंने जब इसकी सूचना ऊपरी अधिकारियों को दी तो कनिंघम यहाँ आए और इन्होंने फिर अपने से सर्वेक्षण किया और एक विस्तारित लेख लिखा। लेकिन फिर भी इस सभ्यता के बारे में सबों ने कोई गौर नहीं किया। फिर जाके 1921 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के निदेशक जॉन मार्शल ने निर्देश दिया दयाराम सहनी को कि वहाँ वो जाएं और इस हड़प्पा सभ्यता या इस हड़प्पा गांव के आसपास के खंडरों की खुदाई करें, और व्यापक सर्वेक्षण के बाद दयाराम सहनी ने इसके बारे में काफ़ी जानकारियां इकट्ठी की और इसका एक विस्तारित और क्रमबद्ध ढंग से लेख लिखा, और तब जाके इस पुरानी प्राचीनतम सभ्यता के बारे में लोगों को पता चला, और तब जाके यह सभ्यता समकालीन सुमेरु सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता या नील नदी की सभ्यता के बारे में स्पष्ट रूप से यह साबित हो गया कि यह सभ्यता भी इसी समकालीन सभ्यता। लेकिन ये औपनिवेशिक इतिहास लेखन के क्रम में यह हुआ कि मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगॉट जैसे इतिहासकार जब इन लेखों के आधार पर जब इन्होंने व्यापक रूप से जब अध्ययन किया और इन्होंने कहा कि यह जो हड़प्पा की सभ्यता है यह अन्य सभ्यताओं की देन है, सुमेरु सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता की ही देन है, और इन्होंने इस सभ्यता के नगरीकृत स्वरूप के उद्भव का कारण विदेशी तत्वों को माना।
और इनके पीछे उनका औपनिवेशिक विचार था कि भारत में इतनी प्राचीन सभ्यता, विकसित सभ्यता, नगरीय सभ्यता इतनी विकसित हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी औपनिवेशिक मानसिकता में भारतों को, भारतीयों को नीचा दिखाना था। तब जाके भारतीय इतिहासकार इसमें कारगर रूप से सामने आए और विभिन्न स्थलों की खुदाइयां प्रारंभ हुई। लेकिन इसके उद्भव के बारे में आज तक एक सस्पेंस बना हुआ है कि अचानक से ग्रामीण सभ्यता नगरीय सभ्यता बनती है, जो लगभग 500 सालों तक यहाँ बड़े व्यापक ढंग से अपने को व्यवस्थित करती हुई अचानक से 1750-1700 ईसा पूर्व के आसपास गुम हो जाती है, फिर से ग्रामीण सभ्यता बन जाती है। ये लगभग 750 सालों का यह नगरीय सभ्यता अचानक से कहाँ गुम हो गई, कहाँ से आई और कहाँ गुम हो गई। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में आज भी अनुसंधान चल रहे हैं, लेकिन व्यापक खुदाइयों के अभाव, क्षैतिज खुदाइयों के अभाव और नगरीय सभ्यता के परिपक्व अवस्था का ही केवल पता चलना इस सभ्यता के उद्भव के बारे में सवाल खड़े करते हैं। दूसरी ओर हम यह देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। इस कारण से भी इसके उद्भव के बारे में केवल हम अनुसंधान, विचार और नए नए तत्वों के आधार पर हम संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इन सबों के बाद कई ऐसे रिसर्च पेपर्स और अनुसंधान होते रहे। इसमें बीबी राव जैसे इतिहासकार भी सामने आए। इन्होंने इसे हड़प्पा सभ्यता को आर्य संस्कृति की देन कहा, क्योंकि कुछ स्थलों पर हम देखते हैं जैसे काली बनवाली में या फिर लोथल जैसे स्थानों पर हमें अग्निकुंड का मिलना, सुतकोटदा और लोथल मोहनजोदड़ो में घोड़े की मृणमूर्तियाँ मिलना और हाथी घोड़े के दांत या उसके हड्डियों के अवशेष मिलने के आधार पर कुछ इतिहासकार इसे आर्यों की ही देन मानते हैं। वैसे ऋग्वेद में हम देखते हैं कि हडुपिया शब्द का प्रयोग हुआ है, हडुपिया शब्द का यहाँ उल्लेख हुआ है। दूसरी ओर वनिक समुदायों के प्रति भी इस ऋग्वेद में एक घृणित रूप से इसका व्यवहार किया गया है। इसका साफ साफ पता चलता है कि यह आर्यों की देन हो सकती है, लेकिन यह 2-3 जगहों से खुदाइयों के मिलने के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि यह आर्यों की देन है, क्योंकि आर्य के आने का काल 1500 ईसा पूर्व है, जिसे हम बुगा जुगई या मितनी अभिलेख के आधार पर मानते हैं, जबकि इससे पहले 250 साल पहले ही हड़प्पा के नगर बिखर चुके थे और वहाँ फिर से ग्रामीण सभ्यता विकसित हो गई थी। इस आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि यह आर्यों की देन है। लेकिन मोहनजोदड़ो से मिले 42 नर कंकाल और हड़प्पा की पूजा अर्चना की पद्धतियाँ जैसे लिंग योनि की पूजा, शिव की पूजा या फिर मातृ देवी की पूजा जैसे कई ऐसे प्रमाण इस सभ्यता में मिलते हैं जो द्रविड़ जातियों से मिलते जुलते हैं। वहीं नरकंकालों के अवशेषों और उसके विश्लेषण से यह पता चलता है कि यह द्रविड़ जाति के लोग यहाँ थे, लेकिन इस आधार पर हम केवल मोहनजोदड़ो की बात कर सकते हैं। व्यापक आधार पर हम इसे नहीं मान सकते कि पूरा सिंधु घाटी सभ्यता यह एक ही जाति निर्जातीय लोग रहते थे। यहाँ विभिन्न निर्जातीय लोग रहते थे, विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरह के संबंध थे, लेकिन इन सबों के बीच हम देख रहे हैं कि 4500-4500 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक सुमेरु सभ्यता थी, 3500 ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व तक हम देख रहे हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और फिर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा के नगरीय सभ्यता थी। यानी कि सुमेरु सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और फिर हड़प्पा सभ्यता के बीच में भी क्रमिक रूप से अंतर हैं। वैसे कई ऐसे प्रमाण के आधार पर यह जो माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के सभ्यता से था, इसके पुख्ता प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन इस आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक विदेशी तत्वों की देन है, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता के नगरीय अवशेष अव्यवस्थित हैं, वहाँ मंदिर के अवशेष हैं और वहाँ की मुहरें मृण
मिट्टी की बनी हुई हैं, जबकि भारत के हड़प्पा में मिले जो मुहरें हैं वो सेलखड़ी के हैं, चौकोर और आयताकार हैं। और भी कई ऐसे प्रमाण हैं जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से भारत की सभ्यता को बिल्कुल अलग करते हैं। इस आधार पर हम एक पुख्ता आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है। वास्तव में यह एक क्रमिक विकास का सिद्धांत है। यहाँ क्रमिक विकास, यहाँ ताम्रपाषाणी ग्रामीण बस्तियाँ जो सिंधु घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के व्यापक स्थलों पर क्रमशः विकसित हुई। यह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण ही हम हड़प्पा को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। यहाँ लगभग 250 से अधिक हड़प्पा के स्थल प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर हम यह कैसे कह सकते हैं कि यह एक व्यापक सभ्यता, नगरीकृत सभ्यता ही थी। नगर के साथ साथ यहाँ मध्यम आकार की ग्रामीण बस्तियाँ और निचली ग्रामीण बस्तियाँ भी थीं। यह एक इन सबों में एक व्यापारिक संबंध था, एक अनुनासरे संबंध था, लेकिन ये पूरी तरह से एक त्रिभुजाकार लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह सभ्यता विभिन्न तत्वों और समूहों के साथ विकसित हुआ। ताम्रपाषाणी ग्रामीण बस्तियाँ सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के बाढ़ के पानी और सिंचाई के साधन के प्रयोग से कृषि पैटर्न को जानकर इन्होंने अपने अधिशेष उत्पादन को बढ़ाया, और इसी कारण से इस अधिशेष उत्पादन ने इन ग्रामीण बस्तियों में तकनीकी विकास के साथ विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति आई। इस विशिष्टीकरण से ये उत्तम तकनीकी के आधार पर पाषाण के औजार बनाने लगे। तांबे के बेहतर औजार और कांसे के प्रयोग से इन ताम्रपाषाणिक बस्तियों में एक व्यापक रूप से परिवर्तन आया। वहीं खानाबदोश जनजातियाँ जो मेहरगढ़ से मध्य एशिया और सुदूर दक्षिण तक इनका संबंध था, और यही खानाबदोश जातियाँ व्यापारिक संबंधों को हम सुमेरु या मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़ते हुए एक व्यापक व्यापारिक आधार बनाया। और फिर इसी सब तत्वों से मिलकर जो ग्रामीण ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृतियों से ने एक व्यापक हड़प्पा सभ्यता का विकास किया, और यह नगरीय सभ्यता एक व्यापक रूप से भारत के इतिहास को गौरवशाली बनाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अन्य तत्व क्या थे हड़प्पा से संबंधित।